यमुनानगर में रिश्तों को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया। बाराचौर गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध मौत के मामले में बुजुर्ग के बेटे रामेश्वर और उसकी पत्नी वर्षा पर गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार सुबह बुजुर्ग का शव बाथरूम के दरवाजे के साथ रस्सी से लटका मिला। वहीं बुजुर्ग का बेटा रामेश्वर और उसकी पत्नी वर्षा फरार हो गए, जिसके बाद बुजुर्ग के दूसरे बेटे ने उसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। वहीं एसएचओ का कहना है कि मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटा रामेश्वर और उसकी पत्नी बुजुर्ग से साले की शादी के लिए 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं देने पर पति पत्नी ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और इसे आत्महत्या दर्शाने के लिए दरवाजे पर रस्सी लगा करके बुजुर्ग के गले में डाल करके शव को लटका दिया गया। हमारे यहाँ पास में बलाचौर गांव है, जिसमें एक सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग हैं 70 साल के ओम प्रकाश जी कि उनकी हत्या हो गई है। तो हम तुरंत मौके पे पहुँचे हैं, हमने देखा है कि उनके गले पे निशान था, तो गले पे निशान है तो उस हिसाब से हमने वहाँ पे फॉरेंसिक टीम वगैरह जो भी थी उनको बुलाया है और उसके बाद कार्रवाई शुरू।